हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। फ्रेंड्स, एही वीडियो टिरे आज आम डिस्कशन करिबा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो फर्स्ट वन भी डिस्कशन कर सारी, तो फर्स्ट पार्ट रे आम डिस्कशन करथिले व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तापर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कशन करथिले, आउ डेवलपमेंट, मैच्युरेशन आउ लर्निंग, तीनटा जाक भितर रिलेशनशिप कौन रोचे ताकू आम डिस्कशन करथिले। तो नेक्स्ट रोचे आमर इम्पोर्टेंट थिला फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो से दुईटा को आम ए वीडियो रे आज डिस्कशन करबा। तो देखंतु फैक्टर्स होची कौन ना, फैक्टर्स होची जोड़ा कि होची डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होची गोटे इम्पैक्ट पकाए डेवलपमेंट उपरे, गोटे इम्पैक्ट पकाए। तो फैक्टर्स होची मुख्यतः होची दुई प्रकार, गोटे होची इंटरनल फैक्टर आ गोटे होची एक्सटर्नल फैक्टर। तो कौन कौन इंटरनल फैक्टर आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करगुड़ा हूँ देखो, फर्स्ट अच्छी हेरिडिटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर एंड सोशल नेचर। आपको आम भलसे पूरा बुझा, तो कौन कौन फैक्टर्स खाली देखी नि, इंटरनल फैक्टर्स एगुड़ा गला। तापर आसर एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन हो पार, एनवायरनमेंट इन द वूम्ब ऑफ द मदर, आउ गोटे कौन ना एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। तो यही दुटा हूँ आमर जीव एक्सटर्नल फैक्टर रे, इंटरनल फैक्टर यहाँ गला ये पांचटा जाक, एक्सटर्नल फैक्टर रही ये दुटा। तो जदि एग्जाम क्वेश्चन आसो ए ऑप्शंस गुडे दे तो तीन टा दे भितर पचार कोटा हूँ इंटरनल फैक्टर नुहे, तो यही पांचटा हूँ आमर इंटरनल फैक्टर, बाकी सब हूँ एक्सटर्नल फैक्टर। तो आम एवं इंटरनल फैक्टर को गोटे गोटे कर बुझा। फास्ट अच्छे इंटरनल फैक्टर्स हेरिडिटरी फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर कौन ना जोटा कि हूँ पेरेन्ट मानु ऑफस्प्रिंग्स माने तांको चिल्ड्रेन मानु डायरेक्टली आसी थाए थ्रू द जीन और थ्रू द क्रोमोजम्स, जो क्रोमोजम्स गुड़ा जो आम जो जीन जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, सेटा हूँ आम हेरिडिटरी फैक्टर। माने जमी बापा माँ जमी क्यारेक्टर होमती ही डेवलप करमती कौन कौन एग्जाम्पल हूँ हाइट, वेट, स्किन कलर, हेयर कलर आउ आई कलर, तो ये सब जिनस गुड़ा डायरेक्टली हूँ हेरिडिटरी फैक्टर। तो आम देखि जो मान बापा माँ कलर फेयर, तक चिल्ड्रेन मान कलर भी फेयर होता है, तो हेयर कलर भी से अनुसार भेरी करे, हाइट जो मान जो मैंने टल था पे भी टल होता, तो यही सब हूँ इंटरनल फैक्टर। कौन भाई ना हेरिडिटरी फैक्टर हूँ इट सेल्फ ए इंटरनल फैक्टर, तो जेहेतु इंटरनल फैक्टर तो यही सब हूँ जिनस को से हूँ अफेक्ट कर, तो हाइट, वेट, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर। तो जदि एमती क्वेश्चन भी आसी पारे मे बी द हेरिडिटरी फैक्टर आई कलर चेंजटा हूँ गोटे कौ फैक्टर रे जा, तो आमर आंसर हेरिडिटरी फैक्टर। नेक्स्ट अच्छे पॉइंट देखु बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन ना डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कौन जेनेटिक फैक्टर उपरे ही डिपेंड कर। तो जमीती आमर कौन कौन पॉइंट्स अच्छे जमीक पॉइंट्स अच्छे इंटरनल डिफर्मिटीज अफेक्ट द फिजिकल एंड द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनल डिफर्मिटीज माने कौन ना जमीती बायोलॉजिकल फैक्टर रू यहाँ जेहेतु आसूची, तो जेनेटिक फैक्टर उपर डिपेंड करूची। सपोज गोटे चाइल्ड जिते बड़े जन्मग्रहण करी से वीक होइची पूरा तार डेवलपमेंट प्रॉपर्ली होउनी, कौन पाई ना मे बी तार मदर माने मदर सफिशिएंट न्यूट्रिशन पाइनी, तो सी हूँ तो वूम को भी इंटरनाली से जी पाइबा कथा सपोर्ट जी मटेरियल्स तार ग्रोथ और डेवलपमेंट हाँपाई से पाइनी, तो माँ रोचे कंडीशन अनुसार तार भी हूँ ता इफेक्ट तार ग्रोथ और डेवलपमेंट तार मेंटल फिजिकल ग्रोथ उपर गोटे इंपैक्ट पकई। तो तेणुक यहीटा को हूँ आमर हूँ बायोलॉजिकल फैक्टर जेहेतु जेनेटिक सहित फैक्टर सहित एसोसिएटेड, यहाँ हूँ गोटे इंटरनल फैक्टर। सेमती हूँ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कौन नर्वस सिस्टम हूँ आमर हूँ कंट्रोल करे होल बॉडी को, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे तो ब्रेन रो जो नर्व रही सब जिनस को हूँ बैलेंस करे नर्व आमर जो रही। तो रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
नर्वस सिस्टम माने ब्रेन जहाँ जिते हूँ थिंकिंग नर्वस सिस्टम जहाँ जिते एक्टिव से जिनस गुड़ाक से हाईली कैच करती तो तेणुक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ नर्वस सिस्टम जिते जे जिते सार्फ तो से हूँ तार इंटेलेक्चुअल थिंकिंग तार से हूँ हाईली डेवलप्ड हम तो तेणुक नर्वस सिस्टम हूँ डायरेक्टली रिलेटेड विथ कहा सहित ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट देन हूँ एंडोक्राइन ग्लांड्स एंडोक्राइन ग्लांड्स कौन एंडोक्राइन ग्लांड्स हूँ आम डक्टलेस ग्लांड्स जोगुड़ा कि आम जमीक हूँ थायरएड पाराथायरएड पानक्रियाज ये सब जो हार्मोन सब जो थ्रू सिक्रेट हूँ बॉडी रे तो सी सब जो ग्लांड्स गुड़ा कौन हम ना सी सब ग्लांड्स गुड़ा रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट सपोज गोटे गोटे हूँ सपोज जनकर गोटे मनीष गोटे आफ्टर बर्थ तार हूँ सपोज किसी गोटे इफेक्ट फल तार हूँ किसी हार्मोन हूँ तार हूँ सिक्रेशन हवा तार डिक्रीज हो गला डिफरेंट डिजीज हो तो से कौन तार फिजिकल आउ तार हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जी लेवल हवा कथा से लेवल हो पारना तो से आम कह कि कॉग्निटिव ग्लांड्स भी रिस्पॉन्सिबल बोथ फॉर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट नेक्स्ट आसूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स कौन ना गोटे ह्यूमन बीइंग रो कॉन्स्टिट्यूएंट माने केमी से कॉन्स्टिट्यूट होती तार कंस्ट्रक्शन केमी तो सी सपोज जन जन था टल हाइट था जन जन शॉर्ट हाइट था हेवी वेट थाए लाइट वेट थाए आमर लुक को लेकिन अग्ली फेस तापर हूँ एमती थाए तो यही सब जिनस जिते बड़े गोटे पिला पाखे डेवलप होता है तो यहाँ हूँ कौन दिए आमको इनफीरियर फिलिंग दिए तो आमको सोसाइटी सहित आमको निजक आडजस्ट करने को हूँ आमको इनफीरियर फिल दिए आमको खराब लगे तो आम हूँ लोक मान सहित मिसी पारती तो से सब जिनस यू जो फैक्टर्स गुड़ा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स ये भी आम ग्रोथ आउ डेवलपमेंट उपर डायरेक्टली हूँ डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली जमी इंपैक्ट पकाए तो नेक्स्ट हूँ पॉइंट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भी हूँ गोटे इंटरनल फैक्टर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एडजस्ट एंड टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम यहाँ हूँ इंटेलिजेंस हूँ गोटे एबिलिटी तो केते किए हूँ एडजस्ट कर पारुची केते केते जिनस को केते किए केते इजियर वे हैंडल कर पारुची यहाँ हूँ गोटे इंटेलिजेंस तो नॉट कि जी हूँ केवल हूँ स्टडी जी कि हूँ बहुत भल सी ही आम केवल इंटेलिजेंस कह तो इंटेलिजेंस तो बहुत प्रकार अच्छी जोटा कि पियाजेट सॉरी जोटा कि हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आम डिस्कसन करते तो सहीटा को आप निश्चिंत भाव में देखिए से भिडियोटा तो इंटेलिजेंस गोटे बहुत बड़ चैप्टर आउ बहुत क्वेश्चंस भी आसे से तो एथिरे तो से आम ए देखिले कि इंटेलिजेंस रो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उपर इंपैक्ट रही केमिति ना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस किए केते इंटेलिजेंट तार फिजिकल मोरल सोशल इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट ता द्वारा हूँ अफेक्ट हो था जी जिते हाईली इंटेलिजेंट सी से फिजिकाली मोराली सोशियाली से स्ट्रंग से जिनस को इजियर वे रे हैंडल कर पार कि हेराज जिते बड़े गोटे पिला जिते बड़े विक् हो तार एत मन रहीबार कैपासीटी नते जिनस को सी हूँ आनालीसीस कर पार कि जिनस को हूँ से गोटे लॉजिकल वे रे भाभी पार तो इंटेलिजेंट से नथिबो सेतेबेले तार ग्रोथ आउ डेवलपमेंट अदर चिल्ड्रेन को कंपेरिजन में कौन हो कमी तो तेणुक इंटेलिजेंस भी हूँ गोटे इंपोर्टेंट इंटरनल फैक्टर जोड़ा कि हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करे नेक्स्ट अच्छी पॉइंट इमोशनल फैक्टर भितर मेनली जा दुटा पॉइंट इमोशनल एडजस्टेबिलिटी आउ इमोशनल मैच्योरिटी तो ये दुटा कौन ना इमोशनली समस्ते ह्यूमन बीइंग समस्त पाखे किसी ना कि इमोशंस रही समस्ते हूँ कांदी पकांदी समस्ते हसी दिखती खुशी हो जाती तो किसी भी गोटे हेले तो ये इमोशनटा इमोशन जब अति अधिक होटा भी भल नुहे कि बिल्कुल इमोशन न रहा भी भल नुहे तो ये आमर हूँ ये दुटा हूँ दुटाक बालान्सड कंडीशन जो दुटा कौन कि आम इमोशनल एडजस्टेबिलिटी इमोशनल मैच्योरिटी जब दुटा जाक भितर बालान्स रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे रे हम तो आमर ये कही कि पॉजिटिव इमोशन लाइक लव केयर अफेक्शन गिव्स पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ जिते बड़े गोटे मनीष समस्त को भल पाइबा दिए स्नेह करे अफेक्शन दिए से तार गोटे से लाइफ को खुशी खुशी इजियर वे रे सी तार आगको बढ़ी चले सब जिनस को हूँ फोकस करें काम सब जिनस को धीरे सुस्ते पूरा आराम से हैंडल करपे से सक्सेस भी अचीव करे किंतु नेगेटिव इमोशंस जमी हूँ फियर आंगर जेलस ये सब गुड़ा हूँ नेगेटिवली और एडवर्सली इफेक्ट
द फिजिकल मेंटल सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जमी सपोज गोटे एग्जांपल आम नवा फियर आंगर जेलस कथा अच्छी तो आम क्लासरूम एग्जांपल नवा सपोज गोटे पिला को डर लगुच इंग्लीश्र हो पैसेज पढ़ेगा कौन पाई ना से भावुच कि मुझे भूल पढ़ीदेवी तो समस्ते हसबे ये सब जिन जो फियर जो नेगेटिव इमोशन आसूचे भितर एटा तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन दबाई दूसरी मैंने डिक्रीज करदे तो यही सब नेगेटिव इमोशंस गुड़ा भल नुहे तो आडवर्स इफेक्ट पकाए तो सेमती जेलस आंगर मानने जेलस आंगर तो सीए भल नंबर कौन पर रखीदेला मुँह भल नंबर कौन पर रखिपाली ये सब जो जेलसी क्यारेक्टर आंगर गोटे राग मनोभाव आसा हूँ आमर मेंटल उपरे फिजिकल उपरे सब उपरे हूँ अफेक्ट करिथाए डायरेक्टली आउ इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट अच्छे सोशल नेचर कौन ना गोटे पर्सन मानने गोटे गोटे पर्सन सी सोशियालाइजेशन से केते सोशियालाइज्ड इटी लिखाई देखो ए पर्सन सोशियलाइजेशन हेल्प्स हिम इन अचीविंग एडजस्टमेंट एंड एडवांसमेंट इन अदर आस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ता माने कौन ना गोटे पर्सन सोशियलाइजेशन ताकु हेल्प करे जमीती कि मु एग्जांपल प्रीवियसली भी कही थी जमीती कि जड़े गोटे गुड फैमिली बिलंग करुच्चे आउ गोटे जन गोटे फैमिली बिलंग करछि जोठी कि होची तांकर फैमिली भितर सब बेले झगड़ा डिस्टर्बेंस ए सब जिंस भी होची चाइल्ड उपर होची डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इंपैक्ट पकाए जने भलो फैमिली बिलंग करथिबो मोरली ताकु सपोर्ट करूथिबे ताकु होची आगो को बढ़ेबा माई होची ताकु सजेशंस दउथिबे एडवाइस दउथिबे भलो जिंस ताकु भलो जिंस उपर डिस्कशन होथिबो फैमिली रे तो पिलाटा भी सेमिति तार माइंड सेट तार सेमती ही हम सी भी हूँ से अनुसार तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रोसीड कर किंतु सब बेले फैमिली भितर डिस्टर्बेंस झगड़ा ये सब जिन जो फैमिली रे छुआ मानकर होने यू देखिक गोटे नेगेटिव इफेक्ट भी पकेब तो सोशल नेचर गोटे फैमिली रू ही मनीष सब जिन शिखे तो पेरेन्ट्स टू फास्ट सोशियालाइजेशन प्रोसेस आमर स्टार्ट हुए तो से तार सोशल नेचर गोटे पिलाटा केते सोशलाइजेशन प्रोसेस ताटी केते डेवलप होइची सेटा भी होची गोटे इंटरनल फैक्टर होची चाइल्ड रो कहा उपरे अफेक्ट करे कहा को ना आमर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को तो नेक्स्ट होची आसीगला पॉइंट एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन ना एनवायरमेंट इन द उम्ब अफ द मदर एंड एनवायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ तो ये दुटा हूँ आम एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन ना जोटा कि बाहर इफेक्ट पकई थाए तो जमीती कि एनवायरमेंट इन द उम्ब अफ द मदर सपोज एग्जांपल नवा आम गोटे मदर जितेबले होते कनसीव कर बेबी को सेतेबले सी हूँ प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड पाइलानी सेतेबले अल्कोहल ये सब ड्रग्स ये सब जिनस जितेबले से बॉडी को नेला तो सेतेबले तारो बेबी भी से एनवायरमेंट रे ही बढ़ला तो जितेबले से छोटो पिलाटा जितेबले छोटो माने छुआटा जितेबले से भी प्रीनेटल कंडीशन रे अच्छी से भी जन्मग्रहण भी करनी तो सही सो एमती एनवायरमेंट रे से होची तारो बढ़ला तो तार जितकी डेवलप होबा कथा तार कॉग्निटिव फिजिकल जमीती तार सब प्रॉपर्ली डेवलप होबा कथा तो ए सब जिंस होची ता उपरे स्टार्टिंग रु ही ता उपरे इफेक्ट गुटे पकेला सेथिपई ए जोटा होची एनवायरमेंट एरा होची गुटे एक्सटर्नल फैक्टर जोटा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उपरे पकेई थाए तो स्टार्टिंग रु जतेबेले गुटे पिला जतेबेले मदर रो उम्र रु ता उपरे ए सब जिंस रो इफेक्ट पड़े तो जतेबेले से आफ्टर बर्थ तार सोशियालाइजेशन प्रोसेस जिते भल हेले भी जहाँ कले भी ताकु जिते से ऑलरेडी ता मदर टू तार ए कैरेक्टर से ऑलरेडी हो जाइछि जोड़ा कि ताकु हमें चेंज करिबा बहुत डिफिकल्ट हो जाए था से डेवलपमेंट चाहिले भी ता लाइफ रे से करी पारे ना तो ये सब जिनस बहुत इफेक्ट पकाए एक्सटर्नल फैक्टर भाव तो नेक्स्ट अच्छी एनवायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ गोटे पिला जिते बड़े आफ्टर बर्थ से केमितिया सराउंडिंग रे रहुची ता सराउंडिंग रो पीपल केमितिया ता नेबर्स केमितिया स्कूल रे से पढ़ुची स्कूल्स रो टीचर्स फ्रेंड्स तार पीयर ग्रुप्स केमिति ए सब जिंस जदि भलो एनवायरमेंट रे से बढ़िला तो पिलाटा होची बहुत हाईली डेवलप्ड हबो आउ तार थिंकिंग इमोशनली आउ मेंटली से बहुत मोरली बहुत होची एक्टिव रहिबो आ बहुत हाई हाईली से गोटे डेवलप्ड पर्सन हे कि बाहरिबो किंतु जदि गोटे खराब एनवायरमेंट रे पिलाटा बढ़िला सपोज देखिला ता एनवायरमेंट रे लोक चोरी करचोंती जैकिना काम दाम न करी पैसा मागुचंती आजिकल जमती भिक मागुचंती ये सब जिनस जितेबाला छोटो पिला जो सराउंडिंग रे देखिले से माने सेमिति ही बढ़िबा को चेष्टा करिवे तो एनवायरमेंट आफ्टर बर्थ भी गोटे बहुत गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जोड़ा कि एक्सटर्नल फैक्टर आउ आमर ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करे तो ये हूँ आमर
এটি গোটে ষ্টার মারিকি মু গোটে বক্সরে লিখিছি, বোথ দ ইন্টরনাল আন্ড এক্সটর্নাল ফ্যাক্টর্স আর রেসপন্সিবল ফর ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট আন্ড ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। এটি দুইটা পয়েন্ট আসলা দেখন্তু ফ্রেন্ড, গোটে হচ্ছে ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট আর গোটে হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট কোণ না, ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এটা যে পয়েন্টটা লেখা হয়েছে, আর গোটে ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল। ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল মানে ডেভেলপমেন্ট মানে নিজের গোটে হি চাইল্ড ভিতরে সে ফিজিক্যালি কেতে ডেভেলপড, মেন্টালি কেতে ডেভেলপড, ইমোশনালি কেতে ডেভেলপড, সবু এরিয়ারে সে ডেভেলপড হয়েছে। ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট মানে প্রায়তঃ বহু জনকটি সেই সেম প্রকার ডেভেলপমেন্ট দেখা দিয়ে থাকে। তো এই দুইটা যাক ফ্যাক্টর, এই দুইটা হি দিয়ে থাকে আমাকে, ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট আর ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। নেক্সট আসিগল আমার প্রিন্সিপলস অফ ডেভেলপমেন্ট। তো দেখুন এটি ফার্স্ট অছি প্রিন্সিপল কোণ না, ডেভেলপমেন্ট ইজ কন্টিনিউয়াস আন্ড নেভর সিজেস। তো মু স্টার্টিং রু বি ডেভেলপমেন্ট ডিসকশন বেলাবেলে কহিলি, তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গোটে কন্টিনিউয়াস প্রোসেস, ফ্রম বার্থ টু ডেথ এটা হচ্ছে কন্টিনিউ করে থ্রু আউট দ লাইফ, এটা কেবে বি হচ্ছে বন্ধ হুয়ে নি, যেটি কি আমার গ্রোথটা হচ্ছে অপ টু এ সর্টন এজ পর্যন্ত বড়ি থাকে, তাপরে হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাই। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপল। নেক্সট প্রিন্সিপল অছি প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স। প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কোণ না, এইটা হচ্ছে কোণ না, সবু প্রকার পিলামানে আমি যদি সমস্ত দেখিবা, কাহার হচ্ছে হাইট অধিক, কাহার ওয়েট অধিক, কার ওয়েট কম, কার হাইট কম, বিভিন্ন প্রকার, কার কলর হেয়ার কলর অলগা, কার আই কলর অলগা, কার স্কিন কলর অলগা, এইসব যে জিনিসগুলো আসুচি এইটা আমি কুহতি প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স। তো সেমিতি যদি আমি আউ গোটে এক্সাম্পল নবা, ক্লাসে সবু পিলা সেম নম্বর রাখুচি কি, কে কে হন্ড্রেড রু এইটি রাখুচি, কে নাইনটি রাখুচি, কে টেন রাখুচি, কে থার্টি বি রাখুচি, এইসব কোণ, এইসব হচ্ছে কি কেতে ডেভেলপড, কার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট কেতে, কি কেতে জিনিসটা ইজিলি ক্যাচ করে পারছে, এইসব যে জিনিস হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স। আর প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কোণ পাই আসে না, আমি জাঁচি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্রডক্ট অফ হেরিডিটি আন্ড এনভায়রনমেন্ট আর ম্যাচুরেশন আন্ড লর্নিং, এই দুইটা যাক হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স পাই রেসপন্সিবল, দুইটা ফ্যাক্টর। নেক্সট অছি প্রিন্সিপল অফ কন্টিনিউটি। প্রিন্সিপল অফ কন্টিনিউটি কোণ না, ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে থ্রু আউট দ লাইফ আমার কন্টিনিউ করে থাকে, এটা হচ্ছে গোটে নেভর এন্ডিং প্রোসেস। তো সেইপা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আন্ড নেভর এন্ডিং প্রোসেস, যেটা কি হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ কন্টিনিউটি ভিতরে যাচ্ছে। নেক্সট অছি পয়েন্ট প্রিন্সিপল অফ প্রোসিডিং ফ্রম জেনেরাল টু স্পেসিফিক। প্রিন্সিপল অফ প্রোসিডিং ফ্রম জেনেরাল টু স্পেসিফিক, এই যে প্রোসিডিং ফ্রম জেনেরাল টু স্পেসিফিক যে ওয়ার্ডটা লেখা হয়েছে, এটা প্রায়ত কোশ্চিনস আসে। জেনেরাল টু স্পেসিফিক মানে কোণ না, ফাস্ট হচ্ছে আমার যে ডেভেলপমেন্টর গোটে প্যাটর্ন সমস্ত সেম থাকে, পিলাটা হচ্ছে মদরর ওম্রে হচ্ছে সে ডেভেলপ করে, তারপরে হচ্ছে সে বার্থ নিয়ে, তারপরে ধীরে ধীরে তার হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হুয়ে, ধীরে ধীরে ইচ স্টেজ দিয়ে সে ডেভেলপ হুয়ে, তারপরে সে হচ্ছে স্পেসিফিক আড়কু যায়। যেমতি ফার্স্ট হচ্ছে সবু তার সবু ইন্ডিভিজুয়াল মানি যেমতি ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে তাঠি বি সেমতি হয়ে থাকে, তারপরে আফটার সে হচ্ছে তার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইন্টারনাল ফ্যাক্টর বোথকু দেখিকি সে হচ্ছে তারপরে সে স্পেসিফিক আকশনস দেখায়, যেমতি কি কে হচ্ছে খেলরে বহুত ভালো হয়ে থাকে, কে হচ্ছে পড়ায় বহুত ভালো হয়ে থাকে। তো জেনেরাল ডেভেলপমেন্ট সমস্ত হাইট ওয়েট ইনক্রিজ হব, সমস্তে এই এই এজ দিয়ে এই এই স্টেজ দিয়ে যাবে, এটা তো কমন থিং, তো এটা বি ডেভেলপ মানে ডেভেলপমেন্ট আমার কমন ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু যে স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে জনে হচ্ছে পর্টিকুলারলি কেউ ফিল্ডে কেতে ভালো, তো সেইটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপল অফ জেনেরাল টু স্পেসিফিক। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে প্রিন্সিপল অফ ইউনিফর্ম প্যাটর্ন অর সিকোয়েন্স। কোণ এটা প্রিন্সিপল অফ ইউনিফর্ম প্যাটর্ন অর সিকোয়েন্স, তো এইটা হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়েছি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোসিডস ইন ইউনিফর্ম ম্যানর, যেমতি কি মুহলি এবে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা আমার কোণ না ইউনিফর্ম ম্যানর্রে সমস্ত সেটা হচ্ছে প্রোসিড করে থাকে, যেমিতি মদরর হচ্ছে এমব্রিওটা যেতবে আফটার ফর্টিলাইজেসন সে ধীরে 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 গ্রো করে, যেমতি কি এমব্রিওর ফার্স্ট হেড ডেভেলপ হুয়ে, তারপরে লোয়ার পার্ট অফ দ বডি ডেভেলপ হুয়ে, ফার্স্ট স্পাইনাল কর্ড ডেভেলপ হব, দেন চেস্ট হ্যাংস লেগস এইসব ডেভেলপ হব। তো এটা হচ্ছে সবু ইন্ডিভিজুয়াল সবু হ্যুম্যান বিইং কেস্রে হচ্ছে এটা কমন থিং, তো তেণুকরি এটা আমি কহবা গোটে কোণ ডেভেলপমেন্ট প্রোসিডস ইন ইউনিফর্ম ম্যানর অর ইউনিফর্ম প্যাটর্ন অর সিকোয়েন্স। নেক্সট পয়েন্ট অছে দেখন্তু
प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये दुटा हूँ सब बेल एग्जाम आसी था। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भितर जाऊँगी दुईटा पॉइंट, गोटे हूँ सेफालोकोडल डेवलपमेंट आ गोटे प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सेफालोकोडल डेवलपमेंट माने कौन ना, सेफालोकोडल डेवलपमेंट हूँ आम डेवलपमेंट जितेबाला प्रोसीड कर फ्रम हेड टू टो। ये गोटे फिगर मुझे मत फिगर एत भल आसे खाली जस्ट गोटे बुझापी कर गोटे जिते बेबी हूँ जितने ग्रो करुच्ची तार हूँ मदर यूटेरस भितर उम भितर जो रही से ग्रो करुच्च फास्ट तार हेड डेवलप हे तो हेड डेवलप हे फास्ट हेड रु तापर टो जाके तार डेवलपमेंट जो प्रोसीड कर सी डायरेक्शन में जिते डेवलपमेंट हम ताको आम कौन कह सेफालोकोडाला डेवलपमेंट। तो आउ गोटे केस अच्छे प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट माने कौन ना, फास्ट हूँ स्टार्ट हम सेंटर रु तापर प्रोसीड कर टुवार्ड्स द पेरीफेरी माने तार हूँ नियरेस्ट एरिया को प्रोसीड कर। कौन एग्जांपल ना, फास्ट हूँ सपोज स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हैला तापर हैंड्स लेग्स ये सब डेवलप है गोटे चाइल्ड र ए टाइप रो जो डेवलपमेंट हो डायरेक्शन को आम कह प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ये दुटा सब बेले पढ़े एग्जाम रे सेफालोकोडल हो डेवलपमेंट कौन ना हेड टू टो ऑप्शन थी तो डायरेक्टली हूँ हेड टू टो मारे। प्रोक्सिमो डिस्टल थी कौन मारे ना सेंटर रु टुवार्ड्स पेरीफेरी। तो ये दुटा ऑप्शन आपको निहाती देखा देखीदे देखिपारे आप ऑप्शन थी तो यहाँ हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे तो मन रखिए। नेक्स्ट अच्छी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कौन, इंटीग्रेशन माने कौन सब प्रोसेस गुड़ा सबूर हो कॉग्निटिव मेंटल इमोशनल फिजिकल सब जो मिसीज से हूँ आम कह इंटीग्रेशन। तो आम जानते डेवलपमेंट हूँ गोटे ओवरऑल चेंजेस 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 हूँ गोटे चेंजेस कराए तो हूँ डिपेंडेंसी टू आमको ऑटोनोमी आड़क नहीं था। तो इंटीग्रेशन सबूक फैक्टर्स आमको मिसिकी आम डेवलपमेंटा के तो सही जो प्रिंसिपल को आम कहते प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आसूँ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन सेम लगुव बट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में कौन हुए ना, सपोज गोटे पिलाटा हूँ फिजिकली वीक अच्छी फिजिकली वीक अच्छी जपरिक सी हूँ प्रॉपर न्यूट्रिशस फूड पाइनी प्रॉपरली खाया को पाइनी तो सपोज से फिजिकली हैंडिकाप्ड अच्छी तार हूँ किसी भी तार हूँ गोड़ हाथ किसी भी तार गोटे डिजेबल्ड किसी कंडीशन अच्छी तो सी धर सपोज तार हैंड रे डिजेबल अच्छी तो सी हूँ हाथ रे तार किसी प्रॉब्लम अच्छी तो सी हूँ लिखी पारुनी तो सी जी तार आइडियाज को एक्सप्रेस करा चाहूब जेहेतु फिजिकालटा फिजिकाल डेवलपमेंट तार प्रॉपर हो पारनी किसी गोटे तार हूँ कौन ड्रॉबैक्स रही जाइए तो तार हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी सी अफेक्ट कर। ता माने फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव इमोशनल सब डेवलपमेंट को हूँ अफेक्ट कर जमीक सपोज गोटे पिलार कि भी गोटे डिजेबल्ड अच्छे से देखिपारूनी तो कि विजुअली हो कि भी से इम्पेयर्ड अच्छी तो सी हूँ सब बेले गोटे तार माइंड रे गोटे रन दुख कि मुझे एमती मोर भी आखि थे मुझे सराउंडिंग की देखिपारी था तो तार इमोशन को भी अफेक्ट करुच्ची तो तेणुक यहाँ हूँ इंटर रिलेटेड माने सबूक डेवलपमेंट हूँ इच अदर सहित इंटर रिलेटेड। तो यही प्रिंसिपल को आम कौन कहते ना प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो नेक्स्ट अच्छी आमर डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड आम डिस्कसन करते डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्युरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल अच्छी कौन ना डेवलप सॉरी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल इन नेचर। तो मु प्रीवियस क्लास रे जिते बेल डिस्कशन करथिले भी कहितिली तो स्पाइरल नेचर कौन ना डेवलपमेंट टा एमती गोटे स्पाइरल वे रे होची हेई थाए तो स्पाइरल ही थाए तो जिते बेल दरकार एमती उपरको से डेवलपमेंट हेई थाए तो ए डायरेक्शन रे हेई थाए जिते बेल डेवलपमेंट जणे ए स्टेज रे अछि तो ता माने नुहे जे ता पूर्व स्टेज रो डेवलपमेंट ताको किछि इंपैक्ट पकोउनी तो ए सब ता सहित मिसी मिसी रही डेवलपमेंट पूरा कम्प्लीटली से डेवलप्ड होती कौन पर आम जस्ट डिस्कसन कले प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन तो से आम डेवलपमेंटा हूँ कौन स्पाइरल इन नेचर एटा लिनियर नुहे कौन पर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो यहाँ हूँ प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी आम सेमती आड करी चली थाए डेवलपमेंटा। तो नेक्स्ट हूँ आम लास्ट पॉइंट आम प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट माने कौन तो डेवलपमेंटा हूँ आम जेहेतु ओवरऑल चेंजेस आनी थाए फिजिकल मेंटल इमोशनल सबको अफेक्ट करें डेवलपमेंटा
ଟୋଟାଲ ସବୁଯାକ ମିଶିକି ଜଣେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ଡ ତ ଆମେ ତାକୁ ସେତେ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ଡ କହିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଅପ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ହେରିଡ଼ିଟାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇମୋସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍, କେଉଁଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ସନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେରିଡ଼ିଟି ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇମୋସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ବି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବନି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଠି ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୁ ଜେନେରାଲ, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ କରେ କ'ଣ କେମିତି ନା ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ତ ତେଣୁକରି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ସେଫାଲୋକୋଡାଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍, ଅପ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟୋ ଟୁ ହେଡ୍, ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ, ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି, ଅର୍ ପେରିଫେରି ଟୁ ସେଣ୍ଟର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।